हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो इन्वायरमेंट साइंस का सिलेबस है उसमें यूनिट 9 जो है इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक का है, और उसमें आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये टॉपिक आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो हम जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको जानने के लिए सपोज करिए कि आपके पास एक टॉसिंग कॉइन है या टॉय है, ठीक है, और इसको आप रिपीटेडली टॉस कर रहे हो। मैं कॉइन का ही एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो आपने हर टॉस को, यानी कि ईच टॉस और सिलेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायल बोलेंगे। तो अगर आप कह सकते हैं किसी सिंगल ट्रायल में जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर इवेंट की, या तो हेड हो सकती है, ठीक है, या टेल, यही हो सकती है ना। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती एक ट्रायल से अगले ट्रायल को, मतलब यानी कि ट्रायल पे ट्रायल अगर आप करते जा रहे हो या टॉस करते जा रहे हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे इस प्रकार के जो ट्रायल होते हैं उसको हम इंडिपेंडेंट ट्रायल बोलते हैं, और इसको हम अक्सर बर्नौली ट्रायल भी कहते हैं, क्योंकि जेम्स बर्नौली जो थे उन्होंने 17th सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी के अंत में इसका इन्वेस्टिगेशन किया था, खोज की थी। तो मान लेते हैं कि यदि पी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की है, ओके, किसी सिंगल ट्रायल यानी बर्नौली ट्रायल में, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी बोलते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू पी वन माइनस पी, ये क्या होगा, ये उस इवेंट के ना होने के चांसेस होंगे, यानी वन में से हम घटा देंगे। याद रहे, किसी इवेंट के होने के और ना होने के दोनों चांसेस को जब हम ऐड करते हैं तो वो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है 1, यानी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस पी। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी जिसमें कोई इवेंट एग्जैक्टली एक्स टाइम्स होगा एंड ट्रायल में, यानी कि सक्सेस जो होगा वो उसका एक्स है, तो फेलियर क्या होगा, एन माइनस एक्स होगा। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है एन एक्स, इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये कम्बिनेशन है, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, ये जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा होता क्या है। तो ये आपका, इसको हम एन सी एक्स लिख सकते हैं, तो ये आपका ब्रैकेट में है एन एक्स पी टू पावर एक्स क्यू टू पावर एन माइनस एक्स, यही आपका है एक्सप्रेशन, या कह सकते हैं कि वो फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एक्स फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस एक्स का होल फैक्टोरियल इंटू पी टू पावर एक्स इंटू क्यू टू पावर एन माइनस एक्स, जहाँ पर आपका जो ये कह सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो डिनोट करता है कि नंबर ऑफ सक्सेस जो है एन ट्रायल्स में कितने हुए हैं, और एक्स जो है वो क्या है, तो आपका कह सकते हैं कि ट्रायल नंबर 1, 0, 1, 2, यानी एन ट्रायल्स उनकी संख्या है। उसके बाद हम एक एग्जांपल को भी देख लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड इन 6 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन इज, फेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई चांस नहीं है कि जब कॉइन को टॉस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि टॉस करने पे टॉइन कॉइन किसी एक तरफ गिरे ना, मतलब कि हेड या टेल ना आए, टॉइन वो कॉइन जो है वो स्टैंड नहीं हो सकती ना, तो इसको हम बोलते हैं फेयर कॉइन। तो अब क्या होगा, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2, याद रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स हमें चाहिए, तो एक्स का वैल्यू होगा कैपिटल एक्स का 2 इज इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हम जब उसका लेंगे तो ब्रैकेट में 6/2 इंटू 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी हेड या टेल की होने की क्या होती है, पी इक्वल टू, तो पी इक्वल टू अगर 1/2 होगा हेड का, क्योंकि तो टेल का क्या होगा, तो टेल के लिए क्यू इज इक्वल टू, मैंने बताया था 1 माइनस पी होता है, तो 1 माइनस पी मतलब कि 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू भी 1/2 आएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें इस एक्सप्रेशन लिखेंगे 6/2 ब्रैकेट में फिर नेक्स्ट इंटू ब्रैकेट में 1/2 उसका पावर 2 फिर इंटू ब्रैकेट में 1/2 पे पावर एन माइनस एक्स था, मतलब कि यहाँ पे आपका 6 में से 2 आप घटा दोगे, तो
इस तरह से आपका जो एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ही जो भी हमने लिखा है ना स्मॉल ब्रैकेट में, सारे के सारे कॉम्बिनेशन है, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा फैक्टोरियल 6/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n-x होता है, तो मतलब कि 6 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 4, तो फैक्टोरियल 6/2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4, फिर ब्रैकेट में 1/2 पे पावर 2 इंटू फिर ब्रैकेट में 1/2 पे पावर 6-2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 15/64। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन 1 जो होता है, अब इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये इसको हम अक्सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पर जो है एक्स यानी स्मॉल एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 से लेके n तक हो सकती है, और ये जो है सक्सेसिव टर्म को करस्पॉन्ड करता है, मतलब ये कि एक्स की वैल्यू यदि 0 है मतलब कि आपने ट्रायल नहीं किया, तो फिर फर्स्ट टाइम आपने किया तो आपका 1 हुआ, दूसरे टाइम किया 2, 3, तो n टाइम्स के लिए हम लोग स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। वैसे शॉर्ट में अगर इसको हम लिखा जाए तो जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, q+p^n इज इक्वल टू q^n+ यहाँ पे n1 स्मॉल ब्रैकेट में q^n-1p+ स्मॉल ब्रैकेट n2 q^n-2p² + डॉट डॉट प्लस p^n। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे समेशन एक्स टेंस टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 to n स्मॉल ब्रैकेट में nx, यानी कि ये आपका कॉम्बिनेशन है, तो ncx भी लिख सकते हैं n^p^x q^n-x। तो ये है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। कुछ स्पेशल केस जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जब n इक्वल टू 1 हो तो हम उसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है, इस टेबल में हमने प्रॉपर्टी को समराइज इसमें है। तो मीन जो होगा बर्नौली यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो होगा म्यू इक्वल टू np। वेरियंस निकालना होगा तो σ² = np³ होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना हो तो σ = √npq होता है। और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना हो यानी α3 = तो q-p/√ होता है आपका npq। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस अगर पता करना है तो α4 = 3+1-6pq/npq। मोमेंट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन यानी mt निकालना है तो q+p (q+p e^t) का होल पावर n। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर निकालना है φω = q+p(e^i) ⍵ होल पे पावर n। तो ये है आपका सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। उसके साथ एग्जांपल दूसरा देख लीजिए, और ये 4.2 एग्जांपल, इन 100 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन द एक्सपेक्टेड मीन, या कह सकते हैं एक्सपेक्टेड और मीन नंबर ऑफ हेड्स इज μ = अगर निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा क्योंकि कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी 1/2, यानी p की वैल्यू होगी आपकी 1/2। तो इसका निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला मैं दिखा दूँ आप लोगों को क्या था, μ = np था, तो यहाँ पर 100 × 1/2 यानी 50 आएगा। वाइल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे σ = तो √100 × 1/2 × 1/2 यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आएगा 5। तो फ्रेंड्स यही है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।